ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल खोल कर मिले चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी। 40 मिनट की तय थी बैठक, लेकिन 80 मिनट तक चला दौर। ब्राजील के फोर्ट जेला में मिले दोनों नेता। मोदी ने इस बैठक के अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। मोदी ने बताया बैठक को अहम कहा, दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक का है विशेष महत्व। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा, चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है, उसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। हमारे उपराष्ट्रपति जी भी वहां आए, सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद पर हुई दोनों नेताओं में बात। आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का एक दूसरे ने दिया भरोसा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सरल बनाने पर भी बनी सहमति। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को दिया भारत आने का न्योता। मोदी का न्योता कबूल, सितंबर में भारत आने को भरी हामी। चीन के राष्ट्रपति ने भी मोदी को दिया चीन जाने का न्योता। मोदी नवंबर में जाएंगे चीन, तारीख का भी ऐलान नहीं। बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी। व्हाट दिस मीटिंग कुड बी, परहैप्स I could do so in a Hindi sentence. कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। मोदी की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। मोदी के ब्राजील जाने से पहले पीएमओ ने कैबिनेट सचिव को भेजा नोट, लिखा मोदी की गैर हाजिरी में राजनाथ से लें सलाह। धोती पहनने वाले मद्रास हाईकोर्ट के जज को क्लब में रोकने का मुद्दा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब में उठेगा। क्लब ने कहा एजीएम में होगी चर्चा। जज की धोती के मुद्दे पर एक हुई तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां, सभी ने एक सुर में क्लब का किया विरोध। पंजाब के गायकों पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर, ईडी को इन गायकों पर हवाले के जरिए विदेशों से रंगम मंगाने का शक। जयललिता ममता बनर्जी बिटराई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को दे रही है समर्थन। बड़े समर्थन के बाद राज्यसभा में बिल पास कराना हुआ आसान। पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति बना मुद्दा। नियुक्ति को कानूनी जामा पहनाने के लिए लाया गया प्राइस संशोधन बिल। मुंबई में कोस्ट गार्डों ने बचाई 16 लोगों की जान। एमवी प्रियंका नाम के कारोबारी जहाज में फंस गए थे क्रू मेंबर्स। रायगढ़ इलाके में ऊंची समुद्री लहरों में फंसा जहाज। रेलवे के सामने आई एक और लापरवाही। इलाहाबाद में ट्रेन चलते चलते दो हिस्सों में बटी। वाराणसी से मुंबई जा रही थी महानगरी एक्सप्रेस। खराब मौसम के चलते टूटा था जहाज का लंगर। समंदर में एक तरफ झुकने पर मांगी गई मदद। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता कई जगह से टूटा। चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच लगातार हो रहा है भूस्खलन। बिहार में लालू के साथ नीतीश के हाथ मिलाने का जेडीयू के अंदर विरोध। जेडीयू विधायक राजीव रंजन का दावा, 64 विधायक लालू के साथ जाने के खिलाफ। यूपी के हाथरस में एक महिला को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया गया। महिला की हालत नाजुक, मां का आरोप, मोहल्ले के पांच लोगों ने किया गैंगरेप। कानपुर में लड़के की मौत पर बवाल, शव के साथ प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के विकास के दावों की खुली पोल। सागर में खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम। सरकारी अस्पताल के पास इमारत नहीं। दिल्ली के ज्योति नगर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार। बदमाश को पकड़ने गया था कांस्टेबल शिवराज, बदमाश ने मार दी गोली।
दिल्ली के आर के पुरम में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी गिरफ्त में। अदालत में पेश न होने पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण शरण समेत छह के खिलाफ सीबीआई कोर्ट का गैर जमानती वारंट। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने का है मामला। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सरकार ने लगाया 3481 करोड़ का जुर्माना, केजीडी 6 ब्लॉक से कम गैस उत्पादन की सजा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बुरी खबर, तेजी से पिघल रहा है शिवलिंग का आकार, 15 दिन में हुआ आधा। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी। माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पहली बार भक्तों ने कटरा से पकड़ी दिल्ली की ट्रेन, नई ट्रेन की सुविधा से गदगद भक्त। इससे पहले दिल्ली से 6:45 कटरा के लिए चली श्री शक्ति एक्सप्रेस, 11.5 घंटे का सफर तय कर पहुंची। आज मुंबई पर बारिश, हाईटाइड की दोहरी मार, बीएमसी ने जारी की चेतावनी। समंदर में 5 मीटर उठ सकती हैं ऊंची लहरें, 2:30 बजे हाईटाइड की संभावना। बीएमसी ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन, मुंबई के लोगों को वेदर अपडेट मिलेगा। दिल्ली को आज भी सताएगी उमस, बारिश के बाद अगले हफ्ते ही मिल सकती है उमस से राहत। जर्मन एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में देखा जर्मनी अर्जेंटीना का फाइनल मैच, चैंपियन बनने पर अंतरिक्ष में मनाई खुशी। फ्रांस में आतिशबाजी के जरिए मनाया गया आजादी का दिवस, रोशनी से नहा गया एफिल टावर। रूस के बीच पर एकाएक तूफान ने मचाया कहर, छुट्टियां मनाने पहुंचे लोगों को हुई परेशानी। चीन में शराबी ड्राइवर ने वार्डन की जान ली, पुलिस वाले को गंभीर रूप से किया घायल। ट्रैफिक तोड़ने पर पुलिस कर्मी और वार्डन कर रहे थे इससे सवाल जवाब, गुस्से में चला दी वैन।